जब भी तुम्हें अपने में कोई बाधा महसूस हो तो धीरज से अपना परीक्षण करना, ये एक तरह का शरीर में बन गई ग्रंथि है या कहें ब्लॉक है, जिसके कारण तुम्हें अवरोध महसूस होता है कि तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारी ऊर्जा स्वच्छंदता से नहीं बह रही। तो कोशिश करो और उसे शरीर में ढूंढो, ये अवरोध कहीं शरीर में मौजूद है। और अगर तुम जाग कर देखो तो ये पता लगा सकोगे कि अवरोध कहाँ है, फिर इसे हटाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर तुम दोनों तरीकों से काम कर सकते हो, मन से और शरीर से। तुम दोनों ओर से अवरोध पर हमला कर सकते हो, अवरोध या कहीं ब्लॉक और कुछ तुम्हारे शरीर में बन गए ऊर्जा की ग्रंथियां हैं। ये किसी भी कारण से हो सकती हैं, इमोशनल, फिजिकल या मेंटल कारणों के वजह से। तो इन गांठों को शरीर और मन से मुक्त करना है ताकि ऊर्जा मुक्त हो सके और शरीर और मन दोनों का उपयोग करना है। अन्यथा जो होता है वह ये कि यदि तुम मन की ओर से हमला करते हो तो वह शरीर के अंदर गहरा चला जाता है और वहां अपनी सुरक्षा करता है। यदि तुम उसे शरीर की ओर से हमला करते हो तो वह मन में चला जाता है और वहाँ अपनी सुरक्षा करता है। ये दो पक्ष हैं और वह बहुत करीब है वास्तव में। हम साइकोसोमैटिक हैं। साइकोसोमैटिक का अर्थ का हिंदी में अर्थ मनोदेहिक होता है। ये शब्द मन यानी साइको और शरीर सोमैटिक के संयोग से बना है और उन स्थितियों या बीमारियों का वर्णन करता है जो मानसिक तनाव, भावात्मक कारकों या मानसिक विकारों के कारण शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होती है। तो हम शरीर और मन एक साथ हैं, शरीर और मन अलग नहीं है। शरीर स्थूल मन है और मन सूक्ष्म शरीर है, वे दोनों ओवरलैपिंग है। इसलिए यदि तुम किसी भी अवरोध को पिघलाने के लिए मजबूर करते हो तो अवरोध का पहला काम होगा मन में या शरीर में फिसल जाना। हमला दोनों मोर्चों में होना चाहिए ताकि अवरोध को बीच से ही पकड़ा जा सके और दोनों ऊर्जाओं से इसे कुचला जा सके। इसलिए हमेशा याद रखो कि जब भी तुम्हें लगे कि तुमको कोई अवरोध मिला है तो ये जानने की कोशिश करो कि वह शरीर में कहाँ है। तुम हमेशा इसे पाओगे। शुरुआत में ये थोड़ा कठिन होगा क्योंकि हम उस तरीके से नहीं सोचते हैं। जैसे कि जब भी तुम प्रेम महसूस करते हो तो तुम अपने हाथ को अपने दिल पर रख देते हो। किसी तरह से प्रेम का विचार ही हृदय केंद्र से मेल खाता है। जिस क्षण सेक्स शब्द कहा जाता है तुम्हें अपने जेनिटल एरिया के पास तुमको एक हल्की संवेदना, एक हल्का रोमांच महसूस होता है। मन में हर चीज किसी न किसी शारीरिक चीज से मेल खाती है और शरीर में कुछ चीज़ें मन से मेल खाती हैं। इसलिए हमेशा इस संवाद को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह योग मनोविज्ञान ने चक्रों केंद्रों की खोज की। इन ब्लॉक्स, इन ग्रंथियों को पिघलाने के कुछ बहुत कारगर ध्यान विधियाँ हो सकती हैं और गुरु ओशो ने बहुत लोगों का निरीक्षण करने के बाद ये विधियाँ दी हैं। जैसे कि एक विधि है नटराज ध्यान, नृत्य ध्यान। ये विधि कहती है अपनी ऊर्जा को अभिव्यक्त होने दो जैसी वो होना चाहती है। जैसे भी तुम नाचना चाहते हो नाचो, पूरी तरह से अपने को थका डालो बिना दूसरे की फिक्र करे, पागलों की तरह, और ये तुम्हारी ऊर्जा को मुक्त करती है। ध्यान रहे, ये सिर्फ ध्यान की तैयारी है, ध्यान नहीं। ध्यान में तुम सीधा नहीं प्रवेश कर सकते। तुम्हें पहले अपने शरीर को व्यायाम या योग से उन ग्रंथियों को मुक्त करना होगा, तभी ध्यान की स्थिति बनती है। गहरे नृत्य में ऊर्जाएं बहुत आसानी से पिघल जाती हैं, अवरोध बहुत आसानी से गायब हो जाते हैं। किसी भी चीज़ से ज़्यादा आसानी से व्यक्ति नृत्य में पूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरा शरीर एक संगठित एकता के रूप में शामिल हो जाता है। नृत्य पृथ्वी पर सबसे पूर्ण क्रिया है। याद रहे, ध्यान में जाने का एक वैज्ञानिक ढंग है जिसमें तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो ध्यान की प्रक्रिया वहां से शुरू होती है जहां तुम हो, जहां तुम्हारी ग्रंथियां हैं। इनसे मुक्त होना स्वास्थ्य है और ध्यान में सहज प्रवेश है। प्रणाम।